चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है इस वक्त, आप दोनों में अभी क्या चल रहा है, डिवाइन मैस्कुलिन आपके लिए क्या सोच रहे हैं और आप दोनों में क्या होने वाला है, ये हम सब कुछ देखने वाले हैं। तो देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, ये आप इससे भाग नहीं सकते। इस इंसान को, ये इंसान आपको छोड़ के 10 बार 100 बार भाग जाएगा, लेकिन आप इसको 10 बार छोड़ के भी नहीं छोड़ सकते, आप इसको 1000 बार छोड़ के भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इस इंसान को भूलना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन ही है इस इंसान को भूलना, आप भूल नहीं सकते इसको। अगर आप नए हैं तो आपको इस जर्नी का भी ज्ञान नहीं है, अगर आप बहुत पुराने टाइम से इस जर्नी में हैं और इस इंसान को आप भूल नहीं पा रहे हैं तो बिल्कुल ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन हैं और आपको ये रिलेशनशिप कुछ सिखाने के लिए दिया गया है, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ये रिलेशनशिप दिया गया है। और ये ट्विन फ्लेम जर्नी बड़ी ही, कहते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा चैलेंज के साथ आती है और इसमें बहुत कुछ आप लोगों को सिखा देती है। और ये जब तक आप अवेकन नहीं हो जाते पूरी तरीके से, तब तक आप सीखते ही रहते हैं। बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन टैरो कार्ड करती हैं, हीलर हैं, किसी न किसी तरीके से लोगों को हील करती रहती हैं, लेकिन अब तब भी वो अटकी हुई हैं। रिलेशनशिप कैसी जर्नी है ये, क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन के यही विचार रहते हैं इस जर्नी में। लेकिन इसमें ये सिर्फ आपको भगवान को याद करने के लिए, उससे जुड़ने के लिए दी गई है। इस इंसान के पीछे ना भाग के आप भगवान के पीछे भागें, अपने अंदर वाले इंसान जो आप अंदर हैं ना, अपने अंदर जाके आप अपना इंसान समझ रहे हैं जिसको, उसी इंसान के अंदर भगवान है, उसको जाके ढूंढें और हर जगह से आप भागना छोड़ दें, सिर्फ अपने खुद के अंदर भागें, तब ये जर्नी से आप छुटकारा पा सकते हैं, नहीं वरना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कभी आप कुत्तों को लेके इमोशनल हो जाते हैं, कभी आप पक्षियों को लेके, और मेरा तो बहुत दिन से पता नहीं क्या चल रहा है, मुझे पेड़ पौधों पे बड़ी दया आ रही है, वो धूप में रहते हैं, पानी होता है कहीं पे नहीं होता है, मेरा दिल उनको देख देख के बड़ा अंदर से रोता है कि ये कैसे खड़े हैं धूप में, ये सबको छांव दे रहे हैं लेकिन इनके लिए भी पानी की ज़रूरत है। कैसे कैसे विचार आ रहे हैं मुझे आजकल, ठीक है, अब ये नहीं पता आप लोगों को कैसे विचार आ रहे होंगे, है ना सभी को। ये जो मैं एनर्जी चेक करती हूँ आप लोगों की, ये मैं कार्ड के द्वारा और चैनलिंग के द्वारा करती हूँ, ठीक है। बाकी हर किसी की जो एनर्जी होती है वो सेम नहीं होती, ठीक है, कोई लो फ्रिक्वेंसी में जी रहे होते हैं, कोई हाई में जी रहे होते हैं और कोई मीडियम में जी रहे होते हैं, तो हम उसी तरीके से यहाँ पे रीडिंग चेक कर रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन और आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, तो आप दोनों के बीच में अभी चल रहा है प्यार और आप गए हैं थक इस इंसान से, इस इंसान का इंतज़ार जो है अब आपसे होता नहीं है, आप ये सोचते हैं कि कब आ जाए, कब मुझसे कह दे कि हाँ भाई मुझसे भी जो तुम्हारे साथ हो रहा है वही मेरे साथ हो रहा है, वही बातों का आप इस इंसान के साथ इंतज़ार कर रहे हैं, वो इंतज़ार जो है आपसे नहीं हो पा रहा है इस वक्त की एनर्जी है। और ये इंसान है कि आप देखेंगे कि इसके हाव भाव जो है बदल गए हैं, ये इंसान पूरी तरीके से बदल रहा है इस वक्त, बदलाव इसके जो है एटीट्यूड में रहेगा, ये पहले तो आपको इन दिनों, कुछ दिनों, 2-3 दिन ये एटीट्यूड दिखाएगा और इसमें बदलाव ज़रूर आएंगे इस वक्त। और ये इंसान जो है सोच क्या रहा है, ये इंसान सोच रहा है इस इंसान ने जो है आपको बहुत ज़्यादा दर्द दिए हैं, बहुत ज़्यादा दुख दिया है, ये दुख जो है इसने आपको दिल के अंदर दिया है, आपके शरीर पे जो कष्टियाँ आई हैं, जो आपके चेहरे की रंगत क्या, आपकी स्किन क्या, आपके बाल क्या, ये जिस सारा कुछ जो आपका हुलिया सा जो बिगड़ गया है, ये इस इंसान के दिल के पेन की वजह से हुआ है। इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा दिल में पेन दिया है और दिमाग में बहुत ज़्यादा आपको इस इंसान की तकलीफ़ रहती है कि ये इंसान ने मुझे छोड़ दिया है, छोड़ दिया है, हमेशा से ये इंसान आपको दर्द देता रहा है। इस वक्त ये इंसान यही सोच रहा है कि इसने आपको बहुत दुख दिया है और आपने जो है अपना रास्ता बदल लिया है, आप उन लोगों के बीच में रहने लग गए हैं जो शायद आपकी एनर्जी से मैच नहीं करते,
जो शायद आप जैसे बिल्कुल नहीं हैं, आप वहाँ पे फंस गए हैं। आप बहुत अलग हैं उन इंसानों से जिनके बीच में आप रह रहे हैं। ये इंसान वही सोच रहा है और ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है आपको लेके। इसने अपना असली चेहरा जो है आपसे छुपा के रखा। ये इंसान क्या था और क्या ये बन के दिखा रहा था आपको? इस इंसान के बारे में मैं अगर ये बात बताऊँ यहाँ पे, तो ये सब कुछ इसके अंदर चल रहा है इस वक्त, ऐसा कार्ड बता रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। ये इंसान भी बहुत परेशान है। इसको कहते हैं बलि का बकरे की तरह यूज़ किया जा रहा है जिस जगह पे ये इंसान है। ये इंसान उड़ के आ जाना चाहता है, मैसेज देना चाहता है, लेकिन आपको कोई मैसेज रिसीव नहीं हो रहे हैं। 5 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं, लेकिन कोई मैसेज आपको इस इंसान से रिसीव नहीं हो रहे हैं। आपको इसी ये इंसान अगले 5 सालों से इसी तरह दुख देता आ रहा है। बहुत दुख दिए हैं इसने। और इसके अलावा और लोगों ने भी आपको बार बार मारने की, पीटने की और बार बार गिराने की आपको, आपके साथ कोई कसर नहीं छोड़ी है। और जितनी बार लोगों ने आपको गिराया है उतनी बार आप उठ के खड़े हो गए हैं, क्योंकि आप भगवान से जुड़े हुए हैं। भगवान के भेजे हुए आप फरिश्ते हैं। आपको बहुत अच्छे काम के लिए यहाँ पे भेजा गया है। जजमेंट का काम है, एनर्जी है यहाँ पे। आप लोगों को जज करने के लिए आए हैं। आप अभी उस एनर्जी में नहीं हैं, लेकिन बहुत जल्दी आ जाएंगे, ठीक है। अभी आप जो है अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं, लेकिन उसमें टाइम लग सकता है उस एनर्जी में आने में, और आप अपनी उसको पहचान जाएंगे कि आपकी वैल्यू क्या है, आपकी कदर क्या है। ये सब चीज़ आप पहचान जाने वाले हैं। आपको अपने आप को एक मुकाम पे ले जाना है, एक बिजनेस अच्छा बनाना है। आपको अपने कैरियर पे जो है बहुत अभी काम करने की ज़रूरत है। और भगवान आपके बारे में भी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ उनके हिसाब से घटित हो रहा है, ये जो भी आपके जीवन में हो रहा है। आपको आपके डिवाइन मैस्कुलिन से प्यार हुआ, ये भी लिखा गया था। उनके साथ सेपरेशन में गया, ये भी जो है भगवान की तरफ से लिखा हुआ था। डिवाइन मैस्कुलिन आपको दर्द दें, आपको पेन दें, आपको उन लोगों के बीच में से आपको निकाल दें जो लोग आप जिनको अपना समझ रहे हैं। आप अपने आप में जीना सीख जाएं, इसीलिए ये इंसान आपके जीवन में भेजा गया था और ये लिखा गया था ऐसा। बहुत ये पता नहीं कितने साल, कहते ना कितने जन्मों से ये जर्नी चली आ रही है आप लोगों की। और ये इंसान और आपके बीच में क्या हो सकता है अभी करंट में? मुझे 3-3 की एनर्जी आ रही है। हो सकता है कल 3 बजे के बाद इस इंसान का और आपका कोई मैसेज इस इंसान से आपको मिले, या आपका मैसेज इस इंसान को मिले, ये आपको देख पाए, या बहुत सी जगह पे ये इंसान खुद मिलने आ जाए, ऐसा भी मुझे यहाँ पे कार्ड बता रहे हैं। क्योंकि फिर से आज फिर आपको रीडिंग में बिलो फॉर्चून मिला है, यानी कि भाग्य आपको क्या देने जा रहा है। बहुत ही जल्दी आपके कर्मों की वजह से ये आपके फेवर में घूमने वाला है बिलो फॉर्चून, और इससे इसकी मदद कर रहे हैं आपके एनिमल्स, आप जिन जिन की आपने मदद की है। मैंने आज यहाँ पे बिलो फॉर्चून में क्या देखा? एक सांप है, एक आदमी ने एक सांप को पकड़ रखा है। बहुत सारे पशु पक्षी हैं जो इसको चक्र को घुमा रहे हैं। तो मैंने भी आज, मैं सेवा कर रही थी तो मैंने भी एक सांप की कैंचली देखी जो काफ़ी लंबी थी। काफ़ी सांप वहाँ से निकल के गया होगा अपने खाल को छोड़ के, तो मैंने भी देखा आज। तो वही मैसेज है, क्योंकि पुराने डिवाइन मैस्कुलिन अपनी पुरानी आदतों को छोड़ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। डिवाइन मैस्कुलिन जो है अपनी जो भी नेगेटिविटी है, दोबारा से वो एक नए जन्म में आ रहे हैं। और डिवाइन फेमिनाइन को हार्ड वर्क करते हुए बहुत सारी खुशी प्राप्त होने वाली है। डिवाइन फेमिनाइन जो है सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रही हैं। और ये नेगेटिव लोगों के भी, आपसे जुड़े हुए नेगेटिव लोगों को भी ये बिलो फॉर्चून जो है मिल रहा है इस वक्त, उनके जीवन में ये उनके हिसाब से घूमने वाला है, क्योंकि उन्होंने भी कसर नहीं छोड़ी है बिल्कुल भी।
विलो फॉर्चून जो है इस वक्त बुरे लोगों के लिए, वो साइकिल दोबारा से रिपीट होने वाली है जो आपसे जेलसी करते हैं। और आपके लिए ये एक द वन, और एक कहते हैं ना उस जिस एरिया में आप रहते हो, जिस जगह पे आप रहते हो, वहाँ की आप सबसे प्यारी, सबसे ही प्यारी एक और वहाँ की औरत हो आप, और जिसके लिए सारे लोग आपसे मिलने के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। बहुत सारे लोग आपसे मिलने आएंगे, बहुत सारे लोग आपसे बात करना चाहते हैं। इस वक्त की एनर्जी ये है, डिवाइन मैस्कुलिन आपको बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़रों से आपको देखने वाले हैं। बहुत ही पवित्र मन से जो हुआ था उसको भूलते हुए आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको देखने वाले हैं। आप कितनी पवित्र हो, कितनी सच्ची हो, और ये बहुत बड़ा चेंज आपके डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर आ रहा है। डिवाइन मैस्कुलिन भी आपकी तरह भगवान के नाम पे चलना चाहते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन और आप दोनों के बीच में एक गहरा रिश्ता है, ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन को बहुत ही जल्दी आभास होने वाला है।